गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमें जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में समझाती है और हमें यह सिखाती है कि सत्य, कर्म और सहनशीलता की शक्ति से हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में पराजित नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की कहानियाँ हमें ध्यान और ध्यान की महत्वता के बारे में शिक्षा देती है, जो एक शांत, उदार और संतुलित जीवन की दिशा में हमें मार्गदर्शन करती है। गौतम बुद्ध की कहानियाँ हमें समझाती है कि सत्य, संयम और ध्यान से हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। उनकी कहानी हमें जीवन के उच्चतम आदर्शों की ओर प्रेरित करती है। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। गौतम बुद्धा लॉन्ग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक, दान। दो, बुद्ध की शिक्षा। तीन, बुराई। चार, सच्चा समर्पण। पांच, मृत्यु। गौतम बुद्धा लॉन्ग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक, दान। गौतम बुद्धा लॉन्ग मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। दान। चीन के चांगचू नामक प्रदेश में एक मठ था, जहाँ के महंत काफी ज्ञानी और कर्मठ थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनवाने की इच्छा प्रकट की और महंत ने अपने शिष्यों से कहा, इस कार्य के लिए आप सभी घर घर जाकर धन संग्रह कीजिए। धन संग्रह करते वक्त किसी से भी बल या अपशब्दों का प्रयोग ना करे, जो वे अपने मर्जी या इच्छानुसार दे वही ले, और इस शुभ कार्य हेतु धन भी शुद्ध ही होना चाहिए। अपने महंत के आज्ञा का पालन करते हुए सभी शिष्य अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और इस कार्य को करते हुए एक शिष्य को टिन्नू नाम की एक बालिका मिली और उसके पास एक सिक्का था। जब उसे भगवान बुद्ध के प्रतिमा की मूर्ति निर्माण के धन संग्रह के बारे में पता चला, तभी उसने श्रद्धावश अपना सिक्का दान करना चाहा, किंतु शिष्य ने उसे अति तुच्छ समझकर लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद सभी शिष्य धनराशि लेकर मठ में एकत्रित हुए।